Hi students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड 9th-10th का सिलेबस इंग्लिश ग्रामर सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया था. आज मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड क्लास 11th-12th इंग्लिश ग्रामर सिलेबस 2023 एंड 24. डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो ग्रामर के बारे में बताऊंगा, इसमें जो मैं आपको बताऊंगा, पहला जो टॉपिक है आपका नरेशन. नरेशन को अदर नेम से भी जाना जाता है, लाइक आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच. दूसरा, इसमें जो हम पढ़ते हैं कि जो सेंटेंस है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, लाइक आपका असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस. इसमें हम ये पढ़ते हैं कि इन सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है. दूसरा जो टॉपिक आता है डियर स्टूडेंट्स, वो था आपका सिंटैक्स. सिंटैक्स के अंतर्गत क्या होता है सिंटैक्स के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें वी नो हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, वी नो हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश. तो ये इसमें हम ये जानते हैं कि किस तरीके से हम ग्रामर, जो इंग्लिश ग्रामर है, जो लैंग्वेज है, उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं, किस तरीके से बोल सकते हैं. तीसरा जो टॉपिक आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. ट्रांसफॉर्मेशन में के अंतर्गत आपका आता है लाइक आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में रूपांतरित कर देते हैं, बदल देते हैं बिना अर्थ के बदले. इसमें हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदल देते हैं, उसका अर्थ नहीं बदलता है, केवल आपका स्ट्रक्चर बदलता है. नेक्स्ट टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स, वो है आपका सिंथेसिस. सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, इसमें क्या होता है कि इसमें हम आपको अभी आपको मैंने बताया कि जो सेंटेंस होता है, बेसिकली जनरली देखा जाए तो 5 प्रकार का होता है, लाइक असर्टिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव एंड ऑब्जेक्टिव. लेकिन जो एक बाई स्ट्रक्चर जो होता है आपका, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड इज कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड इज कम्प्लीट सेंटेंस. सो सिंथेसिस सेंटेंस में हम पढ़ते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कम्प्लीट सेंटेंस बनाना. तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. इसके बाद जो फाइव वाला जो टॉपिक है, जो फिफ्थ टॉपिक है, वो है आपका वोकैबुलरी. वोकैबुलरी के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं, पहला जो टॉपिक इसके अंतर्गत आता है आपका होमोफोन्स आता है. होमोफोन्स मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स, सामान्य आवाज. सामान्य आवाज में क्या होता है, जैसे सामान्य आवाज में होमोफोन्स में जो होता है आपका, लाइक समान आवाज होता है, प्रोनाउंसिएशन हमारा समान होता है, लेकिन स्पेलिंग्स और जो मीनिंग्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. लाइक आपका फ्लोर, एफ एल ओ ओ आर, फ्लोर एंड फ्लोर, एफ एल ओ यू आर, फ्लोर एंड फ्लोर. डियर स्टूडेंट्स, होमोफोन्स में लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, फ्लोर, एफ एल ओ ओ आर, फ्लोर. फ्लोर मीन्स होता है आपका फर्श, एंड सेकेंड इज एफ एल ओ यू आर, फ्लोर मीन्स होता है आपका आटा. देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है आपका, लेकिन जब इसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग एक फ्लोर मतलब होता है आपका आटा, एक फ्लोर मतलब होता है आपका फर्श. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो वोकैब के अंतर्गत आता है, इसको बोलते हैं सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मतलब होता है हिंदी पर्यायवाची. इसके बाद जो थर्ड जो टॉपिक है आपका वोकैब के अंतर्गत, वो है आपका एंटोनिम्स. इट मीन्स अपोजिट, इसका मतलब होता है आपका बिलो. एंड फोर्थ टॉपिक है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, लाइक आपका एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जिसके माता पिता मर गए हों उसे क्या कहते हैं, अनाथ कहते हैं, ऑर्फन कहते हैं. इसको क्या कहते हैं आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. जो आपका अगला जो टॉपिक है वोकैब के अंतर्गत, अगला टॉपिक है आपका फ्रेजल, फ्रेजेस
एंड idioms. फ्रेजेस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा. फ्रेजेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस बट नॉट अ कम्प्लीट सेंस. डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपका सेंटेंस होता है, सेंटेंस में क्या होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. लेकिन फ्रेजेस में क्या होता है कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा भाव प्रकट करता है लेकिन पूरा भाव प्रकट नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं. तो फिफ्थ जो टॉपिक है आपका फ्रेजेस एंड इडियम्स, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इसके बारे में जो डिटेल है टॉपिक वाइज में डिटेल डिस्कशन करूंगा. अगर आपको टॉपिक वाइज अगर आपको पढ़ना है तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.